देश में छठे और सातवें चरण के मतदान को लेकर लोकसभा की चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिख रहे हैं। बता दें कि झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट पर सबसे अंतिम चरण 1 जून को मतदान होना है। इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार हांसदा के पक्ष में वोट मांगने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से बोरियो प्रखंड क्षेत्र के मंगरू टीकर गांव पहुंची। वहीं स्टेज पर कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। वहीं स्टेज पर पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, केंद्रीय कमेटी के सचिव नजरुल इस्लाम, सांसद प्रतिनिधि स्टीफन मुर्मू समेत अन्य मौजूद दिखे। बता दें कि कड़ी धूप होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में कल्पना सोरेन को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं मौके पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार हांसदा इस जनसभा से नदारद दिखे। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले लोकसभा 2014 और 2019 में जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाने, सभी के खातों में 15 लाख रुपये देने एवं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ चुनावी झूठे वादे और जुमलाबाजी के दम पर भाजपा शासन और सत्ता में आई है। लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं। देश में आदिवासी की बहु बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने झारखंड के करीब 11 लाख राशन कार्ड को बंद करवा दिया। पिछले राज्य सरकार ने 7,500 स्कूलों को बंद कराने का काम किया है और आपके हेमंत सोरेन ने अब वो आवास दिया, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया, 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड दिया, 36 लाख लोगों को पेंशन दिया। झारखंड में आदिवासियों के हक को अगर लेना है तो एनडी गठबंधन को जिताना होगा। झारखंड में अगर पेंशन दे रहे हैं, सर्वजन पेंशन मिल रहा है, पेंशन 36 लाख लोगों को मिला है और उसके साथ साथ अबुआ आवाज की जो मैंने बात आपको बताई, अबुआ आवाज यहाँ पे हमारा जो पैसा था झारखंड में बीजेपी वालों ने ये किया कि उसका पैसा हमारे झारखंड को जो पैसा मिलना था वो पैसा उन्होंने अपने बीजेपी राज्यों में भेज दिया, वहां पे झारखंड का हिस्सा खत्म कर दिया। लेकिन अभी का बाबू ने, हेमंत बाबू ने, अभी का हेमंत दादा ने अपने झारखंड वासियों के लिए 2 कमरा नहीं 3 कमरे का अबुआ आवास देने का कार्यक्रम शुरू किया है और करीब करीब 20 लाख लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। हरा राशन का कार्ड हो, जो मैंने अभी बताया, हरा राशन का कार्ड, बीजेपी वालों ने हमारा हरा राशन का कार्ड 11 लाख लोगों का डिलीट कर दिया, बंद कर दिया। और आपकी बैठने हेमंत बाबू ने हमारे झारखंड में हरा राशन का कार्ड, जिससे आप लोगों को अनाज मिल सके, उसको लाया, 20 लाख लोगों को देने का काम किया है। बीजेपी वालों ने यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूलों को, 7,500 स्कूलों को इन्होंने बंद करवाया है। और आप ही का बाबू ने, हेमंत बाबू ने उसको सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया है। सीएम स्कूल एक्सीलेंस का मतलब है आपको जहाँ प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलती है उसके बराबरी की शिक्षा आपको सरकारी स्कूल में मिलेगी। आप इसी से पता लगाइए और अपने आप से पूछिए कि बीजेपी वाले आपको बरगलाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन जो वादे वो आदिवासियों से करते हैं ये हमको पढ़ने देना नहीं चाहते। हमारे स्कूल बंद करवाते हैं, हमारे राशन कार्ड डिलीट करवाते हैं, हमसे ना छीनते हैं और उसके बाद में बोलते हैं आपसे कि हमें वोट दीजिए, ये सारी योजनाएं जो चल रही है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब अपनी आंखें आपको खोलनी है, नौ चुनाव में हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अटल भारत।